तो संसद में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार बहस हुई। मामला इतना बढ़ गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों से मर्यादा बरतने की अपील की। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सामान्य सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। अमृतपाल सिंह पर चरणजीत चन्नी के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद पंजाब से के प्रमुख और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि मैंने पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन संविधान के अनुसार उचित सुविधाएं हर किसी को मिलनी चाहिए। हर निर्वाचित व्यक्ति, चाहे वो अमृतपाल हो या कोई और, किसी को कानून के उल्लंघन का अधिकार नहीं। मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनी बडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। और इधर राज्यसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ। चेयर की कुर्सी पर उस वक्त शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी थी। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत में टैक्स इंग्लैंड जैसा लिया जाता है मगर सेवाएं सोमालिया जैसी दी जाती। 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2-2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया सर। तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही, सर ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकॉनमी, दूसरा कारण है इकॉनमी, और तीसरा कारण भी है इकॉनमी।